नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को सुबह सुबह महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने झटका दे दिया। उस बड़े नेता का नाम मिलिंद देवड़ा है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिलिंद देवड़ा अब एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। उन्होंने लिखा कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें पहले से ही चल रही थीं, जिन्हें उन्होंने शनिवार को खारिज भी किया था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की योजना को भी अफवाह बताया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिंद देवड़ा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुंबई की दक्षिणी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना दावा ठोक रही है। ये सीट शिवसेना को देने पर कांग्रेस की सहमति भी है और इसी बात से मिलिंद देवड़ा नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला कर लिया और कहा जा रहा है कि वो शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल होकर इस सीट से दावेदारी ठोक सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इससे पहले मिलिंद देवड़ा इस पर उन्होंने कहा था कि अभी सीट बंटवारे पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, इसलिए अभी किसी को दावा नहीं करना चाहिए। वहीं शनिवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होने के अगले दिन ही मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस भी छोड़ दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा जो हैं, ये दक्षिण मुंबई सीट से दो बार के सांसद रह चुके हैं और इस सीट से वो 2004 और 2009 में भी चुनाव जीते थे। कांग्रेस में अखिल भारतीय संयुक्त कोषाध्यक्ष की भूमिका में भी मिलिंद देवड़ा थे और मुंबई कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दक्षिण मुंबई की सीट पर मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा भी सांसद रहे थे और वो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता भी थे। यानी कि दक्षिण मुंबई की जो ये सीट है, ये देवड़ा परिवार के लिए एक राजनीतिक विरासत की तरह है, जिससे टिकट न मिलने पर मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, और खासतौर से तब जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जो निमंत्रण था उसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, तो क्या ये राम से बैर रखने का परिणाम है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।